आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम ग्राउंड में आज मुख्य अतिथियों सहित गणमान्य नागरिक एवं खिलाड़ियों की मौजूदगी में उमरिया T10 लीग क्रिकेट महासंग्राम का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि आज इस खेल का शुभारंभ स्थानीय अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम ग्राउंड में किया गया है। इस दौरान क्रिकेट टीमों के द्वारा अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल भावना के साथ खेल खेला गया। यह T10 मैच आगामी 10 दिनों तक चलेगा, जहां जिले एवं क्षेत्र के कई टीमें इसमें शिरकत करेंगी, जिसमें विनर टीम को नगद 15,000 रुपए साथ ही चमचमाती गोल्ड कप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं रनर ऑफ उप विजेता टीम को नगद 8,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं रनर ऑफ उप विजेता टीम को नगद 8,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी एवं इस टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा उसे 1100 रुपए मैन ऑफ द सीरीज की राशि टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा दी जाएगी एवं विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं जो टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा प्रत्येक मैच में दिए जाएंगे। साथ ही दर्शकों के लिए भी विशेष प्रकार के पुरस्कार की व्यवस्था टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा की गई है। वहीं इस दौरान अतिथियों सहित आयोजकों ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेल को खेलने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जहां आज T10 मैच के दौरान मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधियों सहित खिलाड़ीगण एवं गणमान्य आयोजित कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। पीसी उमरिया से संतोष सिंह की खास रिपोर्ट। जब खेल ग्राउंड पे चलता है तो निश्चित तौर से नई प्रतिभाएं सामने आती है और यहाँ लोकल मैच होने से गांव से लोग आते हैं और अच्छे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे जिला स्तर पर टीम बनती है और उनका आगे खेल में आगे रुचि बढ़ती है और आगे बढ़ते भी हैं। नीचे कमेटी करा रही है संतोष वर्मन जी, निश्चित तौर पर इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि छोटे छोटे गांव से लोगों को और नए बच्चे खेलने का अवसर प्रदान करते हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट हमारे यहाँ माहौल बनता है जिससे बच्चों में खेलने के लिए उत्सुकता भी हो। नाम संतोष विश्वकर्मा है। उमरिया क्रिकेट T10 लीग का आज शुभारंभ मैच है, जिसका उमरिया और डिडोरी के मध्य खेला जा रहा है। जो यहाँ के लोकल लड़के हैं उनको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है कि अपनी प्रतिभा का क्षमता दिखाए और ग्रामीण अंचल से भी जो खिलाड़ी आ रहे हैं, आजकल क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो चुका है और हम ये चाह रहे हैं कि जितने से अच्छे से खिलाड़ी उमरिया से निकले और अच्छा खेल का प्रदर्शन करें और नाम रोशन करें। हमारे उमरिया जिले क्रिकेट में सजन दाहिया जो अंडर 16 मध्य प्रदेश रण टीम का हिस्सा है इस समय, और हमारे शहडोल संभाग की पूजा वस्त्रकार जो इंटरनेशनल मैच खेल रही हैं, इसी प्रकार से कई खिलाड़ी निकल सकते हैं, उनके अवसर का संभावना इस मैच में दिख रही है। निरंतर प्रयास से निश्चित सफलता की ओर अग्रसर। आज उमरिया अमर शहीद स्टेडियम में T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मैच खेला जा रहा है और मान लीजिए विगत 10 दिनों तक यह लगातार इस प्रकार से मैच चलता रहा। आज का यह टूर्नामेंट T10 क्रिकेट महामुकाबला अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आज से स्टार्ट हुआ है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी कमेटी ने कोशिश की है कि एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन करें और देश मतलब आपकी जगह जिले के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को यहां लेके, और जिसका उद्देश्य यही है कि अच्छे खिलाड़ी निकल के और इस टूर्नामेंट को। उमरिया T10 लीग का शुभारंभ आज अमर शहीद स्टेडियम उमरिया में आदरणीय मिश्रा जी और धनुषधारी सिंह जी की अध्यक्षता में आदरणीय धर्मेंद्र भाई के आतिथ्य में संपन्न हुआ है। आज का पहला मैच जो हमारी उमरिया क्षेत्र की शानदार टीम है डिडौरी एकादश और सनसाइन एकादश के मध्य खेला जा रहा है। यह T10 मैच जो है कम से कम 10 दिन चलेगा और उमरिया जिले के क्षेत्र की कई टीमें इसमें शिरकत करेंगी, जिसमें विनर टीम को नगद 15,000 रुपए और एक चमचमाती गोल्ड कप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं रनर अप यानी उप विजेता टीम को नगद 8,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा उसे 1100 रुपए की मैन ऑफ द सीरीज की राशि टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा दी जाएगी। और भी कई ऐसे पुरस्कार हैं जो हमारे टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा प्रत्येक मैच में दिए जाएंगे और दर्शकों के लिए भी विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से इस शीतकालीन सत्र में इस प्रकार के आयोजन हमारे क्षेत्र की प्रतिभा को निखारने में काम करता है और आने वाले जनवरी में भी पैराडाइज गोल्ड कप का बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसी की तैयारियों को देखते ही यह टूर्नामेंट जो है काफी सहयोग करेगा। बहुत बहुत अमर शहीद स्टेडियम में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। जो कमेटी है, कमेटी के द्वारा आज से शुभारंभ किया गया है। ये हमारा जिला के अंदर की टीमें आएंगी जो यहाँ पे उमरिया स्टेडियम में
यहाँ जो कमेटी बनी है, यहाँ पे एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें टूर्नामेंट है जिसमें टीमें खेल रही हैं। आज उमरिया और डिंडोरी का पहला मैच है जिसका सभी ने उद्घाटन किया है। शुभकामनाएं बहुत। खिलाड़ी जो है तो खेल भावना से खेलें और अपनी ऊर्जा जो है खेल में और अन्य जो धनात्मक कार्य है उसी में सब व्यय करें। यही मेरा